हेलो फ्रेंड्स, ये है चंडीगढ़ की सेक्टर 26 की होलसेल मार्केट, जहाँ से ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर चीज़ बहुत ही रीजनेबल रेट में, होलसेल रेट पे मिलती है। ये बाबे की हट्टी है। यहाँ की चाय पत्ती बहुत मशहूर है। एटको के होलसेलर डीलर हैं ये। यहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम ली है। ये कालिया ट्रेडर्स था। यहाँ से मैंने गार्डनिंग का सामान खरीदा, फ्रूट्स लिए, वेजिटेबल्स ली, काफ़ी हर चीज़ यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल रेट में मिलती है। यहाँ से मैंने गार्डनिंग वगैरह का सामान लेने के बाद ये सब मैंने ख़रीदा, आलू प्याज जो भी लेना था सारा कुछ मैंने यहाँ से लिया। उसके बाद में मैंने कुछ प्लांट्स भी लिए दुर्गा सीड्स और जनता सीड्स से, इनके रेट ठीक होते हैं मतलब। तो उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि कल मैं शॉपिंग करने गई थी और मैंने सेक्टर 26 होलसेल मार्केट से ग्रॉसरी का सामान खरीदा। सेक्टर 20 से कुछ मैंने यूटेंसिल्स वगैरह खरीदे, मेरे को जो चाहिए थे घी पॉट वगैरह जार चाहिए थे, तो वो सब मैंने खरीदे। और मैंने बोला था कि मैं आपको कल दिखाऊंगी, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने होलसेल मार्केट से शॉपिंग करके और कैसे मैंने पैसे बचाए। और मैं आपको MRP भी बताऊंगी कि किस तरह से उन्होंने, मतलब रिटेल वाले हमसे कैसे डबल रेट लेते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने लिया है केसर। केसर का मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस पे MRP है फ्रेंड्स 390 रुपीज। और मुझे उन्होंने दिया है, आपको मैंने दिखाया था मैंने किस शॉप से लिया है, जो ओनली 190 रुपीज का मुझे उन्होंने केसर दिया है। और अगर आप इसको रिटेल की शॉप से लेते तो ये आपको 350 का ही मिलता, 390 का, मतलब सीधा 200 रुपये लेस। देखिए, मेरा सामान बहुत बिखरा हुआ है। मैं दिखाती हूँ मैं किस में लेके आई थी। ये देखिए कितना बड़ा उन्होंने मेरे ये बैग था, जो पूरा भरा हुआ था, उठाया भी नहीं जा रहा था। इसमें मैं सामान लेके आई थी, बहुत बड़ा है, मेरे स्क्रीन पे तो आ ही नहीं रहा है। ये मेरी जो चीनी है, ये भी मतलब कम से कम 5-6 रुपये पर किलो कम होते हैं पैसे। बाकी सारा है, जैसे ब्लैक चना है। अब मैं इनके रेट को नहीं आपको बताने वाली, क्योंकि ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब मैं ये आपको सीधा ये बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले ये देखिए मैंने लिया है ये केवड़ा एसेंस। इसके ऊपर MRP फ्रेंड्स दी हुई है 78 रुपीज, और उन्होंने मुझे सिर्फ मात्र ये दिया है 40 रुपीज में। कितने रुपए बच गए? आप अगर यही रिटेल से लेते तो उन्होंने MRP पे ही देना था, यानी डबल 78-40। समझा गी कितना? 38 रुपीज कम है। मतलब रिटेल वाले जो MRP लिखी होती है उसी पे देते हैं। अब मैं आपको ये अलसी दिखाती हूँ। मैंने अलसी ली है 1/2 kg, और ये उन्होंने मुझे दी है 65 रुपीज की। और मैंने एक रिटेल की शॉप से पूछा था तो उन्होंने मुझे 70 रुपीज की 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम बताई थी। मतलब 65 में 1/2 kg दी है और उन्होंने रिटेल में 70 रुपीज में 250 ग्राम। चिया सीड्स के मैंने रिटेल में नहीं देखे थे, लेकिन मैंने ऑनलाइन शॉपिंग उसमें फ्लिपकार्ट पे और उस पर देखे थे, तो कोई 250 रुपीज का दे रहा है, वो भी 100 ग्राम का पैकेट है ना। कोई 450 का 250 ग्राम का पैकेट दे रहा है। आप बिलीव करोगे, ये मेरा 250 ग्राम चिया सीड्स है जो सिर्फ 85 रुपीज का है। कितनी मतलब बहुत लूट है मार्केट में। आप अपने हिसाब से, आप, मैं तो यही कहूंगी कि आप होल सेल की शॉपिंग से ही लीजिए। ये देखिए, मैंने शाही जीरा लिया है जो कि 250 ग्राम है, और ये उन्होंने मुझे सिर्फ 160 का दिया है। यानी ये अगर उन्होंने मुझे 160 का दिया है तो इसकी MRP मुझे दिख नहीं रही है कहाँ पर है। ये देखते हैं कितने का है, 180 रुपये है इसके ऊपर, 180 रुपीज, तो भी 20 रुपीज लेस है। वो तो 180 का ही देते, छुआ रहे हैं,
जो कि मैं रिटेल से खरीदती हूँ, कोई 400 रुपीज केजी, कोई 500 रुपीज केजी देता है, और इन भैया ने हमें सिर्फ 115 रुपीज के हाफ केजी दिए और फर्स्ट क्लास छुआरे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे बिल्कुल। और अब आपको मैं पोहा का पैकेट दिखाती हूँ। मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूँ कि आप किस तरह होलसेल से लेके ना, आप अगर चंडीगढ़ में रहते हैं तो सेक्टर 26 से शॉपिंग करिए, और जहाँ भी रहते हैं आपके हर एरिया में होलसेल की मार्केट होती है। आप रिटेल की बजाय चाहे 2 महीने का राशन एक साथ ले आए तो आपको एक बार में ही कम से कम 1000 से 1500 रुपए का फर्क मिलेगा, बहुत बचत होती है फ्रेंड्स। अब ये देखिए पोहा, पोहा पे एमआरपी लिखी है 60 रुपीज, और मैंने लिया है ये पोहा 1 केजी का, यानी 1 केजी हुआ 120 रुपीज का, है ना। और ये मैंने लिया है सिर्फ पोहा, मैं पोहा मैंने अभी देखा था कि आपको बताना है तो मैं बताऊंगी। ये शायद 40 रुपीज का पोहा है, और हाँ ये देखिए पोहा मेरे को ये 60 रुपीज का हाफ केजी पैकेट है, यानी 120 रुपीज का 1 केजी हुआ ना, जो इस पे एमआरपी है। और मैंने कई बार रिटेल की मार्केट से मंगाती हूँ तो वो 60 रुपीज का ही देते हैं जितनी एमआरपी प्रिंट होती है, लेकिन आप बिलीव करोगे कि मुझे ये 60 रुपीज में 2 पैकेट मिले हैं 1 केजी के। बहुत फर्क है फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूंगी कि आप ना होलसेल से ही खरीदें। सामान तो मैंने बहुत लिया हुआ है और कई सामान मैंने निकाल भी लिया है। अब ये देखिए बादाम गिरी है 360 रुपीज की हाफ के जी है, फर्स्ट क्लास बादाम गिरी है। देखिए वो लोग क्या करते हैं, पैकिंग कर देते हैं और उस पर प्राइस प्रिंट कर देते हैं और उसी हिसाब से वो लेते हैं, वो करवाते हैं पैकिंग करवाते हैं वो। अब ये काजू देख रहे हैं, कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स, इतना मोटा मोटा काजू है ये देखिए। और ये मैंने हाफ के जी काजू लिया है 420 रुपीज का सिर्फ। अगर आप ये मार्केट में जाएंगे तो ये हाफ के जी आपको 600 का मिलेगा, बहुत फर्क है। मैं आपको यही कहूंगी आप होलसेल की मार्केट में जाइए और वहाँ बचत आपकी बहुत होगी। ये देखिए ये पिस्ता है, ये मैंने जैसे डिश वगैरह बनाती हूँ तो आप लोगों को जैसे कई चीजें स्वीट डिश बनाती हूँ कुछ बनाती हूँ तो वो डेकोरेट करनी होती है, तो ये पिस्ता मैंने लिए हाफ के जी, 2 पैकेट लिए मैंने फ्रेंड्स, ये देखिए 2 पैकेट लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं आपको प्रिंट बताती हूँ कि प्राइस क्या प्रिंट है इसके ऊपर। इसके ऊपर प्राइस है 500 250 ग्राम का 500 प्रिंट है, क्योंकि ये पैकिंग देख रहे हो बहुत अच्छी पैकिंग हो रही है। और आप इसको रिटेल में लेने जाओगे तो वो आपको 500 का ही देंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपीज लेस कर देंगे, है ना। और ये मेरे को आप बिलीव। तो फ्रेंड्स ये जो मुझे पिस्ता है, ये हाफ के जी पिस्ता मुझे 1 पैकेट के यानी 250 ग्राम के रेट पे मिले हैं। ये सिर्फ मुझे मिले हैं 2 पैकेट पिस्ता 450 के, जबकि 500 रुपीज 1 पिस्ता के पैकेट में है। तो आप ही देख लीजिए, वो अफजा है, बच्चों को बहुत पसंद है। इस पे MRP 160 रुपीज है, आई थिंक 160 है, और ये मुझे सिर्फ मिला है 140 का। वो तो नहीं देंगे रिटेल वाले, रिटेल वाले आपको सीधा जो MRP प्रिंट होती है जिस पैक पर भी, उसी पैक पर ये देते हैं, वही रेट पर दे देंगे जो पैकिंग पर होगी। अब ये फॉइल पेपर, ये बटर पेपर है, ये क्या है, फूड रैपिंग पेपर। अब इस पे मुझे MRP कहीं दिख ही नहीं रही है कि ये कितनी MRP है, लेकिन ये मुझे ना 70 रुपीज का मिला है और इस पे 125 रुपीज है, 125 रुपीज है और ये मुझे 70 रुपीज का मिला रैप पेपर, क्योंकि फॉइल पेपर में आजकल बच्चों को टिफिन मना कर रहे हैं, तो ये मैं लेके आई हूँ, बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। काफी टाइम से सोच रही थी, मेन चीज तो मैंने दिखाई नहीं। ये है फ्रेंड्स गोंद पतीरा, जो कि हम सबके लिए गर्मियों में बहुत अच्छा होता है, और मैं आपको इससे ड्रिंक बना के दिखाऊंगी। ये मुझे, मैंने 2-3 दुकानों पे पूछा तो 60 रुपीज का, जहां मैं रहती हूँ हमारे कैंपस में भी 60 रुपीज का 50 ग्राम था। आप विश्वास करेंगे मैंने कितने का लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कितने का लिया है गोंद पतीरा।
फ्रेंड्स ये बहुत ही सस्ता दिया है उन्होंने, ये सिर्फ 35 रुपीस का 100 ग्राम है, 35 रुपीस का 100 ग्राम गोंद पतीला 35 रुपीस का। और ये मैंने दो तीन बार पूछा, क्या मैं लाई भी हूँ, 50 ग्राम 60 रुपीस का, यानी 120 रुपीस का 100 ग्राम और ये सिर्फ 35 का। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, आप सोचेंगे हमें, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप ना होल सेल से शॉपिंग करिए और अपनी बचत करिए, पैसे बचाइए। रिटेल में तो जो पैकिंग वाली चीजें हैं उनके जो प्रिंट है प्राइस, वो ही प्राइस लेंगे वो आपसे, पैसे नहीं कम करते। आप बोलो कि कोई, आप अगर ज्यादा बोलोगे तो वो 5% 10% आपको डिस्काउंट दे देंगे, अदरवाइज बिना बोले तो वो देते ही नहीं है। ये आप ना होलसेल मार्केट से खरीदिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको।